हेलो एवरीवन। तो भाई पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, जिनको हमने चेलकोजेंस भी बोला था। तो प्रॉपर्टीज खत्म होने के बाद जो अब हमारा सबसे पहला जो कंपाउंड या कह सकते हैं मॉलिक्यूल आता है, वो आता है आपका डाइऑक्सीजन। तो आज हम डाइऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो डाइऑक्सीजन के बारे में हमें, जैसे हमने डाई नाइट्रोजन के बारे में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, यूजेस पढ़े थे, प्रिपरेशन पढ़ी थी, बिल्कुल सेम तरीके से हमें इसको प्रोसीड करना है डाइऑक्सीजन को भी। ठीक है, तो वही तीन चीजें हमें यहाँ पढ़नी है जो हमने डाई नाइट्रोजन में पढ़ी थी। तीन चीजें कौन कौन सी? सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन, फिर प्रॉपर्टीज और फिर यूजेज। ध्यान देना, जो भी चीजें मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप सारी आपको इसी तरीके से याद रखनी है, जल्दी याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं? टॉपिक पढ़ने वाले हैं डाई ऑक्सीजन। तो मैंने हेडिंग लिख दी यहां, बट मैंने जैसे बताया कि क्या क्या चीजें हमें इसके अंदर पढ़नी है, हमें इसके अंदर तीन चीजें पढ़नी है। कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे? सबसे पहले हम इसकी पढ़ेंगे प्रिपरेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, और लास्ट में इसके क्या पढ़ेंगे? यूजेज। और यही चीजें आपके सिलेबस में मेंशन है, सिलेबस चेक करना एक बार दोबारा। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये चीजें हमें पढ़नी है, बट फिर से वही बात, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा सारी चीजें। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिपरेशन। प्रिपरेशन किसकी? प्रिपरेशन पढ़ेंगे हम डाइऑक्सीजन की। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? O2। प्रिपरेशन जैसे हमने डाई नाइट्रोजन में पढ़ी है, हाउ मेनी टाइप्स या कितने तरीके से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं? सो वी आर हैविंग टू वेज, हमारे पास दो तरीके हैं जिससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला कौन सा है? लेबोरेटरी मेथड, ठीक है। दूसरा कौन सा है? कमर्शियल मेथड। वन इज लेबोरेटरी, अदर इज कमर्शियल मेथड। तो लेबोरेटरी में कैसे बनाएंगे और कमर्शियली कैसे बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ध्यान रखना या ध्यान से देखना सब कुछ। लेबोरेटरी के अंदर मैं आपको याद यहां तीन प्रिपरेशन बताऊंगा। कितने बताऊंगा? तीन प्रिपरेशन। और कमर्शियल के अंदर मैं आपको दो प्रिपरेशन बताऊंगा जो कि आपने पहले पढ़ रखी हैं। ये दोनों प्रिपरेशन आपने 10th क्लास में पढ़ रखी हैं, ठीक है, 11th में भी पढ़ रखी हैं, बट 10th क्लास में ही आती हैं दोनों की दोनों जो मैं बताऊंगा इनमें से। बल्कि एक तो 9th क्लास में भी आती है, ठीक है, तो डिस्कस करेंगे कौन कौन सी है। तो सबसे पहले लेबोरेटरी के अंदर हमें प्रिपरेशन करनी है किसकी? डाई ऑक्सीजन की। मैंने कई बार आपको बताया अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी, जो चीज बनानी है उसको दिमाग में रखो कि भाई ये बनाना है। अब ये बने बन किससे सकता है वो चीज आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला, अगर मैं करूं या मैं बनाऊं तो मैं बाय हीटिंग नाइट्रेट्स, क्लोरेट्स, मतलब अगर मैं किसी नाइट्रेट को, किसी क्लोरेट को या फिर किसी परमैंगनेट को, आपने पढ़ा होगा KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, या किसी पर मैंगनेट को मैं क्या कर दूं? हीट कर दूं। मीन्स बाय हीटिंग नाइट्रेट्स, क्लोरेट्स एंड पर मैगनेट हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। इनमें से जो आपकी एनसीईआरटी बुक में जो एग्जांपल दे रखा है वो ये दे रखा है, तो मैं इसको लेके चल रहा हूं। क्या दे रखा है वहां? KClO3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कंप्लीट द रिएक्शन में पूछी जाती है कई बार। तो KClO3 से बनाना क्या है? जो कुछ बनाना है सबसे पहले वही लिख लेंगे। मैंने लिख दिया क्या बनाना है मुझे? O2 बनाना है, ठीक है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स के अंदर ही बताया, बिल्कुल सिंपल वे में लर्न करेंगे, रटना नहीं है, केमिकल रिएक्शंस रटने की नहीं होती। तो क्लोरेट से क्या बनाना है? O2 बनाना है, तो बना दिया मैंने। अब O2 बनाने के बाद बचा क्या? जो कुछ बच गया है उसको लिख दीजिए। क्या बच गया चेक कर लेते हैं। यहां पे मैं इसको ले लेता हूं 2, मेरे पास तो बैलेंस कर लेता हूं मैं 2, क्योंकि मुझे इवन नंबर ले लें तो बैलेंस जल्दी हो जाती है। तो 3 2 6 ऑप्शन मेरे पास यहां है, यहां मेरे पास कितने हैं? 2, तो क्या मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं? तो क्या मेरे पास 3 2 6 3 2 6 हो गए ऑक्सीजन। अब क्या रह गया? अब रह गया आपके पास K रह गया और Cl रह गया, दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद क्या बनता है? क्या प्लस में 2 KCl निकल जाएगा बाहर? बिल्कुल निकल जाएगा, ठीक है, ये हो गया। बट ये बनेगा कब? मैंने लिखा है यहां बाय हीटिंग, तो एरो के ऊपर क्या लिख देंगे? हीट। और एक स्पेशल चीज इसमें याद रखनी है, इसको कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और वो कौन सा होता है? मैंगनीज डाई ऑक्साइड। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कई बार कंप्लीट द रिएक्शन में पूछी जाती है कि व्हाट विल हैपन ऑन द
डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरेट, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरेट से क्या होता है, क्या बनता है? तो केसीएल बनता है और ओटू बनता है। ओटू बनेगा मेजर प्रोडक्ट, साइड में क्या निकल जाएगा, केसीएल सॉल्ट। बट ध्यान रखना, इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, नाम क्या, मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये हो गई आपकी फर्स्ट लेबोरेटरी प्रिपरेशन, किसकी, ऑक्सीजन की। ठीक है, दूसरी प्रिपरेशन क्या है, वो भी थर्मल डिकम्पोजन है, बट किसका थर्मल डिकम्पोजन है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल का। कैसे, सेकंड हम पढ़ेंगे बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। मतलब अगर मैं थर्मल डिकम्पोजन कर दूं ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स का, तो भी मेरा क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। कैसे बनेगा, कुछ एग्जांपल मैं लिख रहा हूं। जैसे मैंने सबसे पहले एग्जांपल लिखा HGO, सभी ने पढ़ रखा है 10th क्लास के अंदर, 11th क्लास के अंदर आता है। क्या बनेगा, अगर मैं, मुझे निकालना क्या है, मुझे बनाना है O2। जो बनाना है वो सबसे पहले लिख लो, क्योंकि प्रिपरेशन किसकी पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डाइऑक्सीजन की प्रिपरेशन। इससे बनाना है, मेटल ऑक्साइड हो गया, मेटल ऑक्साइड से ओ टू बनाना है। जो बनाना हो पहले लिख लिया, अब रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए। यहाँ ओ वन है, यहाँ ओ टू है, मैं अगर टू से मल्टीप्लाई कर दूं तो ओ टू हो गया, तो प्लस में क्या निकल जाएगा, प्लस में निकल जाएगा मरकरी, HG निकल जाएंगे, टू। बात में आ गई, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरे पास आ गया PbO2, क्या आ गया, PbO2 आ गया। क्या बनाना है, हमें बनाना है O2। जो बनाना हो पहले लिख लिया, बात समझ आ रही है, जो बनाना हमने वो पहले लिख लिया, बट साइड में क्या निकलेगा। अब जो साइड में निकलेगा, अगर यहाँ पे एक पीबी दे रखा है और पीबीओ दे रखा है, तो ध्यान देना, यहाँ पीबीओ के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन तो निकल जाता है, बट ये बॉन्ड जल्दी से टूटता नहीं, तो यहाँ पे एक मोलिक्यूल पीबीओ का भी निकलता है साइड में। अगर आप कहोगे सर ये पीबीओ निकल गया था, फिर ये ओ टू कैसे बन गया, तो जो ये ओ टू निकलता है ये कैसे निकलती है, हाफ। ठीक है, तो PbO2 गिव्स यू PbO प्लस हाफ O2, क्योंकि PbO भी आपका कंपाउंड बनता है, लेड ऑक्साइड बोलते हैं, क्योंकि Pb भी प्लस टू स्टेट में होता है, तो प्लस टू स्टेट्स में ये कंपाउंड बनता है, नॉन कंपाउंड है, स्टेबल कंपाउंड है, बनता है, इसीलिए PbO बना रहेगा। अब आप कहोगे सर इसमें से फिर O2 कैसे, तो O2 में निकल क्या कर दी, हाफ। अगर आपको हाफ O2 नहीं बनानी तो क्या कर लो, बैलेंस कर लो, तो आप क्या निकालो, यहाँ पूरी O2 निकालो। तो यहाँ पे मैं क्या टू से मल्टीप्लाई कर दूं, टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो टू टू जा फोर ऑक्सीजन, तो फिर यहां पे कितना आ जाएगा, टू, टू पीबीओ आ गया, टू पीबीओ आ गया। अगर टू पीबीओ आ गया तो मेरा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, बट पीबी चेक करो, पीबी कितने हो गए, टू, यहां पे कितने हो गए, टू, तो एक मोलिक्यूल किसका निकल जाएगा, ऑक्सीजन का निकल जाएगा, ऑक्सीजन मीन्स डाइऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं एग्जाम्पल। यहां पे मैंने ले लिया सिल्वर ऑक्साइड Az2O, क्या ले लिया, Az2O, इसको बैलेंस करना है, या इसको इसको इससे प्रिपरेशन करनी है। बनाना क्या है, बनाना मुझे वही है, क्या O2 बना के लिख दिया मैंने। अब जो रह गया है उसको लिख दीजिए, क्या रह गया होगा। अब यहां चेक करो, यहाँ ऑप्शन कितने हैं, वन, यहाँ ऑप्शन कितने हैं, टू, तो क्या मैं मल्टीप्लाई बाय टू कर दूं, यहाँ दो ऑप्शन के लिए कर सकता हूं, कर दिया प्लस में। अब जो रह गया वो लिख दीजिए, कितने Az रह गए, यहां रह गए आपके 4Az। बात समझ आ रही है, तो ये कंपाउंड आपका बन जाएगा। एक मैं कंपाउंड और लेता हूं, ये तो मैंने लिया था लेड ऑक्साइड, अगर मैं कंपाउंड ले लूं, एक डी कंपाउंड और ले लेता हूं, यहां Pb3O4, इससे क्या बनेगा, मैंने क्या ले लिया, Pb3O4, इससे क्या बनने वाला है, इससे जो कुछ ऊपर बनाया बिल्कुल सेम बनेगा, आपको बैलेंसिंग करनी है बस, और कुछ नहीं। क्योंकि मैंने पहले बताया ना आपको कि PbO2 से जो PbO बनेगा, PbO स्टेबल कंपाउंड बनता है, तो यहां पे भी जो बनाना है O2 बना लीजिए और साथ में क्या लिख दीजिए, PbO, सब क्या कर दीजिए, बैलेंस कर दीजिए, क्योंकि ये भी क्या है, ऑक्साइड है। तो चेक कर लेते हैं, O कितने हो गए, टू एंड वन थ्री, बट यहां कितने हैं, फोर। अगर मैं यहां Pb3 है, यहां Pb आपके पास हो जाएंगे, अगर मैं यहाँ थ्री और ये टू, अगर मैं यहाँ सिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, चेक करें, अगर मैं यहाँ सिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे पास ऑप्शन कितने हो गए, सिक्स और टू एट, और यहाँ फोर है, तो यहाँ के मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं टू से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास थ्री टू जा सिक्स पीबी हो गए, और सिक्स पीबी मेरे पास यहाँ आ गए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, बैलेंस। बट ये कौन सा मेथड है, ये मेथड है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। तो ध्यान देना, यहां हर जगह क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपको, थर्मल मतलब हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा।
बात समझ आ गई। तो ये सारी चीजें ध्यान में क्या रखना है, जो बनाना है वो सबसे पहले लिखेंगे, और जो कुछ बच गया है उसको जोड़ के देख लीजिए क्या क्या बनता बन सकता है उससे, ठीक है। कौन सी प्रिपरेशन थी लेबोरेटरी की? सेकंड। अब इसके बाद कौन सी है? थर्ड प्रिपरेशन लेबोरेटरी की, वो क्या है वो देखते हैं। अब आपको करनी है थर्ड प्रॉपर्टी, या सॉरी थर्ड प्रिपरेशन लेबोरेटरी की प्रिपरेशन, और वो किसकी प्रेजेंस में है? वो आपके कैटलिस्ट की प्रेजेंस में है। तो हम यह लिखेंगे बाय कैटलिटिक डिकम्पोजिशन, मतलब होना तो क्या है, होना डिकम्पोजिशन ही है, बट किसकी प्रेजेंस में होना है? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में होना है? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। जैसे आपकी फर्स्ट स्टेप थी, फर्स्ट स्टेप कौन सी थी? KClO3 से क्या बना था? KCl और O2 बना था, बिल्कुल वो भी क्या थी आपकी? कैटलिटिक डिकम्पोजिशन थी। बट यहां एक और आपने जो कॉमन पढ़ रखी है, कॉमन कहूंगी बिल्कुल सिंपल पढ़ रखा है, वो क्या है? H2O2, मतलब हाइड्रोजन परोक्साइड। आपको सभी को पता है हाइड्रोजन परोक्साइड किससे बना होगा? हाइड्रोजन परोक्साइड बना होगा वाटर प्लस ऑक्सीजन से। वाटर प्लस ऑक्सीजन कर दूं क्या बनता है? H2O2 बनता है, यहाँ हाफ O2 कर लेंगे बनता है। अगर मैं इसको वापस कर दूं तो ये यहाँ जुड़ने से, मतलब कॉम्बिनेशन से बना है, और ये यहाँ से यहाँ क्या बन जाएगा? फिर डिकम्पोजन से बन जाएगा, बिल्कुल सेम वही काम करना है भाई, कॉम्बिनेशन से मतलब कंबाइन करके तो ये बना है, और अगर अगर मैं डिकम्बिनेशन कर दूं तो क्या हो जाएगा? वापस यही बन जाएगा। तो यही कुछ बना है यहाँ, जो बनाना है पहले तो वो लिख लो, मुझे क्या बनाना है? O2। अब जो कुछ रह गया है, जो कुछ रह गया है उसको जोड़ के लिख दीजिए, ध्यान देंगे। H2O2 में से O2 आ गया, तो रह क्या गया? H2 रह गया, तो प्लस में क्या लिख दूं? 2H2 कर दूं। बट मैंने अभी भी बताया आपको H2O प्लस हाफ O2 से बनता है H2O2, तो मतलब वोटर तो बनेगा, तो यहां H2 नहीं, क्या बनाइए? वोटर बनाइए, ठीक है। अब वोटर बनाओगे तो बैलेंस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा चेक कर लीजिए। 2 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
गए 4। अब H चेक कर लीजिए, 2 2 4, यहां पे कितने हो गए 2 2 4। ये आपकी प्रिपरेशन जो है किसकी प्रेजेंस में होने वाली है, क्योंकि उसने लिखा है किसकी प्रेजेंस में होनी चाहिए कैटलिस्ट के। भैया कैटलिस्ट कौन सा यूज किया गया है, ध्यान से सुनना, यहां पे जो कैटलिस्ट यूज किया गया है वो एक तो यूज किया गया है पाउडर्ड मेटल, पाउडर्ड मेटल की प्रेजेंस में MnO2 जो कि आपका KClO3 वाले मतलब फर्स्ट प्रिपरेशन में जो डाला गया था वही डालना है। मैंने दोबारा से, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कैटलिटिक डिकम्पोजन करना है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तोड़ना है। कैटलिस्ट कौन सा लिया, मैंने कहा कि पाउडर मेटल, कोई भी मेटल ले लीजिए उसका पाउडर बना लीजिए और उसके साथ में MnO2 डाल दीजिए, रिएक्शन हो जाएगी फास्ट, तो ये टूट जाएगा इनके अंदर, ठीक है। सो ये तीन आपकी क्या थी, लेबोरेटरी प्रिपरेशन। किसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन थी, O2 की। सबसे पहले मैंने किससे बताई, सबसे पहले मैंने बताई आपको KClO3 से, दूसरी मैंने किससे बताई मेटल ऑक्साइड से, तीसरी मैंने किससे बता दी कैटलिटिक डिकम्पोजिशन से, H2O2 का डिकम्पोजन कर दिया। अब क्या रह गया, अब आपके पास रह गया कमर्शियल प्रिपरेशन। तो अब हम डिस्कस करेंगे कमर्शियल प्रिपरेशन, और ये मैं अगर आपको कहूं तो ये आपने पढ़ रखी है, कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ O2 कैसे पढ़ रखी है, देखिए ध्यान से। मैंने बताए थे इसके कितने पार्ट है, इसके 2 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट कौन सा है, 9th क्लास में आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, फिगर आ गया होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर 9th क्लास में, ये फिगर ध्यान से देखिए, हेडिंग इसकी रहेगी सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। ये 9th क्लास का टॉपिक है, ये आपने पढ़ रखा है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। लास्ट वाले कॉलम में चेक कीजिए, लास्ट वाला जो बीकर बना हुआ है या लास्ट वाला जो कंटेनर बना हुआ है उसमें आपका क्या लिखा गया है, लिक्विड ऑक्सीजन, मतलब क्या बना है वहां, लिक्विड ऑक्सीजन बना है। एयर के अंदर आपको पता है कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, और ट्रेसिस में दूसरी गैसेस होती हैं। 78% क्या होता है N2, 21% क्या होता है O2 होता है। अब इनमें से N2 और आर्गन, चेक करो फिगर के अंदर दोबारा, उसके अंदर आपका आर्गन और N2 पहले सेकंड लास्ट चैम्बर में अलग हो जाते हैं, तो लास्ट वाले चैम्बर में आपका क्या बनता है,
ऑक्सीजन, बट कैसी बचती है, लिक्विड ऑक्सीजन। ठीक है, तो यही प्रिपरेशन है और ये कमर्शियल प्रिपरेशन है आपकी। तो फर्स्ट मैं यहां लिख रहा हूं, द फर्स्ट वन इज बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, मतलब एयर का क्या कर दिया जाए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दिया जाए, तो आपको क्या मिलेगा, आपको एज अ प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा लिक्विड ऑक्सीजन। तो O2 की प्रिपरेशन ज्यादा अमाउंट में होगी। दूसरा मेथड क्या है, ये मेथड भी आपने पढ़ रखा है 10th क्लास में, आपने वहां पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वॉटर। वेरी गुड, तो यहां पे याद रखेंगे आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वॉटर। तो अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वॉटर करोगे तो वहां पर भी क्या बनता है, दो रोड होती हैं। अगर मैं आपको फिगर की हेल्प से समझाऊं तो फिगर की हेल्प से देखिए, ये मेरे पास क्या हो गया, बीकर। इस बीकर के अंदर क्या भर रखा है आपने, इसमें भर रखा है आपने H2O वाटर। एक तरफ लगेगी कैथोड, एक तरफ लगेगी एनोड, यहां पे इनके टर्मिनल। ठीक है, अब यहां पे इनके टर्मिनल है तो ये कनेक्टेड रहते हैं सेल के साथ या बैटरी के साथ। ठीक है, मैंने बोला ये आपकी कैथोड, ये आपकी एनोड, लिक्विड कौन सा है, लिक्विड है आपका वॉटर। वॉटर कौन कौन से आयन में टूटता है, एच पॉजिटिव ओ टू नेगेटिव टूटेगा, एच पॉजिटिव में टूटेगा और ओ टू नेगेटिव में टूटेगा। ध्यान क्या रखना है, जो कैटायन है और जो एनायन है, कैटायन जाएगा कैथोड पे, मतलब कैथोड पे कौन सी गैस आएगी, H2 गैस। एनायन जाएगा एनोड पे, तो यहां कौन सी गैस आएगी, ऑक्सीजन गैस। तो ध्यान देना, व्हेन वी आर डूइंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन गैस विल लिबरेट ऑन विच रोड, इट विल लिबरेट ऑन एनोड। बात समझ आ गई, तो ये कई बार क्वेश्चन बन भी जाता है यहां कि बाय डूइंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर विच प्रोडक्ट विल फॉर्म ऑन कैथोड एंड एट एनोड। तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट निकलेगा कैथोड से या एनोड से, तो वो आपको ध्यान रखना है। मैंने कहा कैटायन कैथोड पे जाएगा, एनायन एनोड पे जाएगा, ये चीज ध्यान रखनी है बस। सॉल्यूशन के अंदर या कंटेंट के अंदर या कंपाउंड के अंदर जो भी आपने कंटेनर में लिया है, जो कैटायन होगा वो कैथोड पे जाएगा, जो एनायन होगा वो एनोड पे जाएगा। आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, मुझे पता है क्या आ रही होगी, आपने दिमाग में बात आ रही होगी कि सर आपने कहा कैटायन जाएगा कैथोड पे, कैथोड पे चार्ज पॉजिटिव, कैटायन पे भी चार्ज पॉजिटिव, तो ये अट्रैक्ट कैसे करेगा। इस सेम तरीके से यहां एनायन पे चार्ज नेगेटिव और एनोड पे भी चार्ज नेगेटिव, तो ये इसको अट्रैक्ट कैसे करेगा, तो रिपेल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बट ये चीज कब हुई है, जब हमने क्या अप्लाई कर दी है, बैटरी, मतलब करंट हमने अप्लाई कर दी है। क्योंकि जब भी हम कनेक्ट करंट अप्लाई करते हैं, या ये कह दूं मैं, जब भी हम कनेक्शन फिक्स करते हैं, सर्किट को जोड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, एनायन से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ आना स्टार्ट कर देते हैं, कैथोड पे। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन आए तो फिर यहां चार्ज कौन सा बन जाता है, यहां चार्ज बन जाता है आपका पॉजिटिव, यहां क्या बन जाता है, नेगेटिव। अब नेगेटिव रोड बन गई है तो अट्रैक्ट किसको करेगी, एच पॉजिटिव को। ये पॉजिटिव रोड बन गई है, अट्रैक्ट किसको करेगी, ओ टू नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, वैसे कहने को ये कहा जाता है कि कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, बट मैं आपको बता दूं कैथोड पे दोनों चार्ज होते हैं और एनोड पे भी दोनों चार्ज होते हैं। कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज भी होता है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज भी होता है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज भी होता है, एनोड पे नेगेटिव चार्ज भी होता है। डिपेंड इन विच सिचुएशन वी आर टेकिंग इट, हम कौन सी सिचुएशन में उसको ले रहे हैं, करंट अप्लाई करने से पहले या करंट अप्लाई करने से करने करने के बाद। ठीक है, या ये कह दूं कि जब हम उसके अंदर से करंट पास कर रहे हैं तब ले रहे हैं, या करंट पास करने से पहले ले रहे हैं। बात समझ आ गई, सो दीज टू आर द प्रिपरेशन, या कौन सी प्रिपरेशन, कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ ओ टू। कौन कौन सी, एयर का क्या कर लीजिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फिगर मैंने बताया था, फिगर आपकी स्क्रीन पे आया था, और ये क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वॉटर, ये आपने पढ़ रखा है, आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है, और ये आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है, और ये आपने जो प्रीवियस लेक्चर आपका 12th क्लास में आया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां भी आपने पढ़ा होगा। पास में आ गई, सो दैट इज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ डाई ऑक्सीजन। प्रीवियस जो कंपाउंड मैंने आपको बताए हैं उनके अंदर भी प्रॉपर्टीज में दो तरीके से बताई है, यहां भी मैं दो तरीके से बताऊंगा, लर्न करने में आपको आसानी रहेगी। कैसे लर्न करेंगे,
प्रॉपर्टीज ऑफ, किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, O2 की पढ़ रहे हैं। कितनी प्रॉपर्टी होती है, कितने तरह की प्रॉपर्टी होती है, दो तरह की होती है। पहली प्रॉपर्टी कौन सी होती है, फिजिकल, दूसरी कौन सी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा, जैसे आपने पढ़ा था वहां कि उसका फिजिकल आउटलुक कैसा है, गैस होती है, लिक्विड होती है, सॉलिड होती है, क्या कुछ होता है, कितना उसकी सॉलिबिलिटी होती है, कितना उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, कितना उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो वन बाय वन मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं, पॉइंट के हिसाब से आप इनको याद रखेंगे। सबसे पहले O2 गैस, गैस क्या आपको दिखाई देती है, मतलब क्या कोई कलर होता है, नहीं होता। क्या आपको स्मेल इसकी आती है, इसका टेस्ट आपको आता है, कैसी स्मेल आपको इसकी आती है, कि ये किस तरीके किसकी कैसी स्मेल है, नहीं आती। तो कैसी होगी, सबसे पहले ये हो गई कलरलेस, एंड मैंने कहा कोई स्मेल नहीं आती, तो कैसी हो गई, ओडरलेस है क्या ये गैस, क्योंकि ऑप्शन क्या होती है, गैस। दूसरा पॉइंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान रखना, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मैं आपको हर टॉपिक के, जित ध्यान सुनना, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बच्चे इस चैनल पे हैं, उन सब के लिए बता दूं, इस जो जितने भी चैप्टर मैं करवाऊंगा, जितने भी टॉपिक मैं कराऊंगा, हर चैप्टर की मैं एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि आपके जो एमसीक्यूज वाला पार्ट है बोर्ड एग्जाम में वो मिस ना हो जाए। तो बने रहें, ध्यान से देखते रहें, पूरा टॉपिक जो मैं यहाँ करवा रहा हूँ ये एनसीईआरटी पे बेस्ड है, और इससे ही एमसीक्यूज बनेंगे, और मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा हर टॉपिक की, हर चैप्टर की, हर चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक है और कितने उनके एमसीक्यूज बनते हैं। इवन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, जो जेई में पूछे गए हैं, नीट में पूछे गए हैं, सब तरह एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट मैंने क्या बताया, मैं क्या बता रहा हूं, सोल्युबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी इन वॉटर, सभी को पता है ऑक्सीजन गैस वॉटर के अंदर डिजोल्व होती है, इसीलिए एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं या एक्वाटिक लाइफ जो होती हैं वो सर्वाइव कर पाती हैं। बट ये कितना डिजोल्व होता है, अगर मैं आपको एक अंदाजे बताऊं, तो जो O2 गैस है वो वॉटर के अंदर जो डिजोल्व होती है, नियर अबाउट 3.808 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब में डिजोल्व होती है। दोबारा सुनिए, मैंने ये कहा कि जो O2 का इतना अमाउंट या इतना वॉल्यूम डिजोल्व होता है, इतने वॉल्यूम वॉटर के अंदर, ठीक है, बट किस टेम्परेचर पे, ये आपका होगा RT पे, RT का मतलब रूम टेम्परेचर, कितना होता है, 293 केल्विन। बात समझ आ रही है, रूम टेम्परेचर जो होता है ये आपका वॉटर के अंदर, अंडर वॉटर के अंदर, मतलब जो वॉटर का लोअर सरफेस है वहां पे ये रूम टेम्परेचर बना रहता है, तो इसलिए वहां एक्वाटिक एनिमल्स सर्वाइव करते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉटर के अंदर कितना ऑक्सीजन आपका डिजोल्व हो सकता है, 3.08 सेंटीमीटर क्यूब इतना डिजोल्व हो सकता है। तो इतनी सोलिबिलिटी है वॉटर के अंदर, किसकी, ऑक्सीजन की। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट आप इसका लिखिए, इसका लिक्विफाई, मतलब ये लिक्विफाई किस टेम्परेचर पे होगा, कौन, आपको पता है ऑक्सीजन गैस है, इफ वी आर अप्लाइंग प्रेशर ऑन ऑक्सीजन गैस तो इट विल लिक्विफाई और नॉट, मतलब ये लिक्विड बनेगी या नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी, किस टेम्परेचर पे बनेगी, ये बनेगी आपकी 90 केल्विन पे, मीन्स एट 90 केल्विन ऑक्सीजन गैस विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ध्यान देना, वो लिक्विड वाटर नहीं बनेगा, वो लिक्विड ऑक्सीजन बनेगी। तो जैसे अपने मैंने अभी आपको बताया कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर हम करते हैं, लास्ट में जो प्रोडक्ट निकलता है वो लिक्विड ऑक्सीजन निकलता है, तो ऐसे ही लिक्विड ऑक्सीजन बन सकती है बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर ऑन इट। दूसरा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, इसका फिर अगर ये लिक्विफाई हो सकती है तो जाहिर सी बात है ये फ्रीज भी हो सकती है, तो फ्रीज, अब लिक्विफाई इस पे हुई तो फ्रीज इससे कम पे होगी, इससे ज्यादा पे होगी, इससे कम पे होगी, कितना होता है वो टेम्परेचर, वो होता है नियर अबाउट 55 केल्विन। इस टेम्परेचर पे ये लिक्विड बन गया, कौन, O2, और इस टेम्परेचर पे ये फ्रीज हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक बात आपने और पढ़ी होगी 9th क्लास के अंदर, आइसोटोप्स, कितने आइसोटोप्स होते हैं इसके, ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप होते हैं, कौन कौन से, 16, 17 और 18, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, दीज 3 आइसोटोप्स आर पॉसिबल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के ये 3 आइसोटोप होते हैं। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, एक 6th पॉइंट और बता देता हूं, हालांकि ये आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है O2, और ये एमसीक्यूज, या ये कह लूं कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया है भाई, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि O2 इज
शोइंग विच मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो O2 जो होता है कैसा होता है, पैरा मैग्नेटिक होता है। अब आप कहोगे कि सर तो गड़बड़ हो गई, कैसे गड़बड़ हो गई, अगर मैं O2 को चेक करूं तो O2 मेरा 8 + 8 कितना आता है 16, 16 मतलब कैसा है नंबर आ गया, इवन नंबर, और अगर इवन नंबर है तो ये डायमैग्नेटिक होना चाहिए। ठीक है, इवन नंबर तो क्या होना चाहिए, डायमैग्नेटिक होना चाहिए, बट ये डायमैग्नेटिक नहीं होता, ये कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, अकॉर्डिंग टू मोथ, मोथ के अकॉर्डिंग, मोथ का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, 11th क्लास में पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो कैसी होती है, डाया ना होके पैरामैग्नेटिक होती है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, ना कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए कैसा हो जाता है ये पैरामैग्नेटिक। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ठीक है, दोबारा से देखें, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, सोलिबिलिटी कितनी है, इतना मतलब 3.08 सेंटीमीटर क्यूब डीजल हो सकता है 100 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, लिक्विफाई हो जाएगा इस टेम्परेचर पे मतलब 90 केल्विन पे, फ्रीजिंग हो जाएगी 55 केल्विन पे, 3 आइसोटोप होते हैं, और O2 नेचर में कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक, ना कि डायमैग्नेटिक। ठीक है, सो दीज आर ऑल अबाउट, दैट इज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट क्या रह गया, केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे वो देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आपको ध्यान में क्या रखना है कि किस किस से रिएक्शन करता है, किस किस से रिएक्शन नहीं करेगा। किसकी बात कर रहे हैं हम, O2 की, तो मैं यहां लिख रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ O2, O2 की केमिकल प्रॉपर्टी। इसको भी आप पॉइंट्स में बना के लिखोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, सबसे पहला पॉइंट आप क्या बनाओगे केमिकल प्रॉपर्टी में, कि व्हेन वी या व्हेन O2 विल रिएक्ट विद एनी मेटल, अगर O2 किसी मेटल से रिएक्शन करता है या O2 रिएक्ट विद एनी नॉन मेटल तो क्या बनाएगा, उसकी ऑक्साइड बनाएगा। जैसे मैं कहूं मैंने लिया Ca+O2, क्या बनता है, क्या CaO बनता है, बनता है। अगर मैंने लिया C+O2, क्या CO2 बनता है, बिल्कुल बनता है। ये कैसा ऑक्साइड हो गया, क्या ये मोदी हो गया, मोदी मतलब मेटल ऑक्साइड, क्या ये नरेंद्र मोदी हो गया, नरेंद्र मोदी मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड, ये नमो हो गया, ये मो हो गया, मतलब मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड। ध्यान में रखना क्या, जो देखो एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी मैंने पहले बताया, हम हर जगह मिलेंगी, सब जगह मिलेंगी, आपको बस ध्यान में रखना कि किसकी नहीं होगी, किसकी हो जाएगी। मैंने कहा अगर O2 डायरेक्टली रिएक्ट करता है किसी मेटल के साथ तो मोदी बनेगा, मतलब मेटल ऑक्साइड, अगर ऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्शन करता है किसी नॉन मेटल के साथ तो नरेंद्र मोदी बनेगा, मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड। आपने पढ़ रखे हैं 8th क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर, मेटल ऑक्साइड नेचर में कैसे रहते हैं, बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे रहते हैं, एसिडिक। ये जनरल ट्रेंड है, जनरल ट्रेंड मतलब जनरली हम बोलते हैं ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर और नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। बट मेरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, और ये आप नोट भी कर सकते हो कि क्या O2 कैन O2 रिएक्ट विद ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब कहोगे कि सर आपने बोला तो है भी सब के साथ रिएक्शन करता है, हाँ बिल्कुल, मैंने कहा जनरल बोला है मैंने, क्योंकि जो मैं बात बता रहा हूँ सर ये जनरल है, जैसे मैंने जनरली बेसिक होते हैं, जनरली एसिडिक होते हैं, तो जनरली क्या बनाएंगे, मोदी बनाएंगे, नरेंद्र मोदी बनाएंगे। बट क्वेश्चन अगर बना है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ तो डाउट है, कुछ ना कुछ तो एक्सेप्शन है, वो क्या है सुनिए, O2 रिएक्ट विद ऑल, सॉरी कैन O2 रिएक्ट विद ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो आंसर आएगा नो, ये सबके साथ रिएक्शन नहीं करता। आप पूछोगे कि सर किस किस से रिएक्शन नहीं करता, नोट कर लें, ये आपके जो नोबल मेटल होते हैं, कौन होते हैं, नोबल मेटल्स, ये एक तो उनसे रिएक्शन नहीं करता, किनसे, नोबल मेटल से, एक आपकी होते हैं ग्रुप 18 के सम एलिमेंट्स, ग्रुप 18 के कुछ एलिमेंट से ये रिएक्शन
नहीं करता, या ये कह लीजिए कि ग्रुप 18 से ये रिएक्शन नहीं करता। यहां एयू और पीटी से रिएक्शन नहीं करता। हमें से मेटल में से गोल्ड और प्लेटिनम, ध्यान से सुनना, मेटल में से गोल्ड और प्लेटिनम, और नॉन मेटल में से, क्योंकि ग्रुप 18 क्या होता है आपका नॉन मेटल, तो ये ग्रुप 18 जो है ये किस कैटेगरी में आता है आपका, नॉन मेटल में आता है, सभी को पता है। तो नॉन मेटल से भी रिएक्शन नहीं करता, ग्रुप 18 के नॉन मेटल से, यही कहते ग्रुप 18 के एलिमेंट से, और मेटल में किन से रिएक्शन नहीं करता, एयू और पीटी से। क्वेश्चन बन सकता है कि कैन ओ टू रिएक्ट विद गोल्ड, आंसर आएगा नो। कैन ओ टू रिएक्ट विद पीटी, आंसर आएगा नो। कैन ओ टू रिएक्ट विद ग्रुप 18, आंसर आएगा नो। ठीक है, फिर भी मैं कह रहा हूं ध्यान में क्या रखना है, जनरली ये सबसे रिएक्शन करके मोदी बनाता है, नरेंद्र मोदी बनाता है। ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, इट इज योअर फर्स्ट पॉइंट। ये सारा मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया आपको अब तक। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट ये होगा कि व्हेन ओ टू डायरेक्टली रिएक्ट विद मेटल एंड नॉन मेटल, इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब किसको छोड़कर, गोल्ड प्लेटिनम इन मेटल्स एंड ग्रुप 18 नॉन मेटल्स, इनको छोड़ के बाकी सब से रिएक्शन करता है, O2 और डायरेक्टली क्या बना लेता है ऑक्साइड। ठीक है, ये आपका था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, सभी को पता है O2 जब भी आप किसी मेटल से रिएक्शन करवाते हो तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। जब ये मेटल ऑक्साइड बनाता है तो वहां कुछ हीट निकलती है या देनी पड़ती है, तो सेकंड पॉइंट इसी के ऊपर बेस है कि व्हेन इट रिएक्ट या फिर कंबाइन विद एनी एलिमेंट, इट शो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कहने का मतलब क्या है, जब ये कौन O2 रिएक्ट करता है या कंबाइन करता है किसी भी एलिमेंट के साथ, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो, तो ये रिएक्शन कैसे शो करता है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब पढ़ रखा होगा, 10th क्लास में आता है। एक्सो का मतलब एग्जिट होना, थर्म का मतलब टेम्परेचर, तो मतलब टेम्परेचर एग्जिट होती है, टेम्परेचर बाहर निकलता है, हीट बाहर निकलती है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या है कि इट इज शोइंग या इट शोज एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हेन इट कंबाइन विद एनी एलिमेंट, वेदर इट इज मेटल और नॉन मेटल। तीसरा पॉइंट क्या बनेगा, तीसरा पॉइंट पॉइंट बनेगा इसकी बीडीई। बीडी का मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, किसकी, ओ डबल बॉन्ड ओ की। हाई होगी कि लो होगी, देखने से तो लग रहा है हाई होगी, क्यों होगी, क्योंकि कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, और एक्चुअल में हाई ही होती है। कितनी होती है, तो हाई होती है 493.4 किलो जूल पर मोल, मतलब ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ना या O2 का बॉन्ड तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, 493.4 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी जब हम देंगे तब जाके हमारा बॉन्ड टूटेगा। बात समझ आ रही है, तो ये आपका हो गया थर्ड पॉइंट, किसका, केमिकल प्रॉपर्टी का। फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया कि एमओ बनेगा, एनएमओ बनेगा। सेकंड पॉइंट मैंने बताया कि रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। थर्ड मैंने बताया बीडी आपकी इतनी होगी। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो है, क्या मेटल नॉन मेटल के अलावा क्या कंपाउंड से भी रिएक्शन कर सकता है। मैंने अब तक जो आपको रिएक्शन बताई, या तो मेटल से बताई O2 की या नॉन मेटल से बताई O2 की, क्या ये कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो कंपाउंड के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो वो भी लिखेंगे कि कंपाउंड के साथ भी ये रिएक्शन कर सकता है, और जब कंपाउंड से रिएक्शन करता है तो मैं लिख रहा हूं रिएक्टिविटी विद कंपाउंड। कंपाउंड के साथ रिएक्टिविटी दो तरीके से हो सकती है। पहला तरीका क्या है, विदाउट कैटालिस्ट, और दूसरा क्या है, विद कैटालिस्ट। मतलब एक तो विदाउट कैटालिस्ट, दूसरा क्या है, विद कैटालिस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे CH4+O2 क्या बनता है, क्या CO2+वाटर बनता है आपका। मीथेन को बर्न कर दीजिए, CO2 बनेगा और वाटर बनेगा। क्या यहां किसी कैटालिस्ट की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी। बट अगर आप SO2+O2 करोगे
क्या बनेगा? यहां बनेगा आपका 2SO3, 2SO3 बनेगा, बन गया। SO2 प्लस O2 SO3 बनाता है, ये आपने पढ़ा होगा H2SO4 की प्रिपरेशन में, ठीक है। H2SO4 की प्रिपरेशन जिसको हम नाम देते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, ये स्टेप आया होगा आपका सेकंड स्टेप, क्योंकि फर्स्ट स्टेप वहां क्या होता है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू SO2, सेकंड स्टेप होता है SO2 प्लस O2 गिव्स यू SO3, और थर्ड स्टेप होता है SO3 प्लस वॉटर गिव्स यू H2SO4, ठीक है। ये आपकी कॉन्टैक्ट प्रोसेस होती है, जो कि प्रोसेस किसकी होती है, प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां पे जो सेकंड स्टेप होता है, यहां पे कैटलिस्ट रिक्वायर होता है, उस कैटलिस्ट का नाम क्या होता है, V2O5। तो यहां भी V2O5 इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, तो यहां V2O5 के बिना, या कहते हैं कि ऐसे रिएक्शन हो सकती है, कम होगी, बट इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो जाती है। तो कंपाउंड विद कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, विदाउट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, दोनों तरीके से काम कर सकता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसके अंदर एग्जांपल ले लीजिए CuCl2 प्लस O2, सॉरी नॉट CuCl2, HCl, HCl प्लस O2 क्या देगा? HCl के अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करूं तो क्या देगा, किसकी प्रेजेंस में देगा? सबसे पहले यहां प्रोडक्ट क्या बनने वाला, प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पे एच है, यहां पे सीएल है, यहां पे ओ2 है, तो ध्यान दें एच और ओ जुड़ सकते हैं, क्या बनेगा, वॉटर प्लस सीएल अलग हो सकता है, तो Cl2 बाहर हो जाएगा, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है CuCl2 की प्रेजेंस में, मींस कैटलिस्ट का काम कौन कर रहा है, CuCl2, या कैटलिस्ट कौन था, V2O5। तो ये रिएक्शन में भी कैटलिस्ट चाहिए, ये रिएक्शन में भी कैटलिस्ट चाहिए, और ये क्या है, कंपाउंड, ये भी क्या है, कंपाउंड। तो कंपाउंड विद कैटलिस्ट, कंपाउंड विदाउट कैटलिस्ट, दोनों कंडीशन से या दोनों तरीकों से ऑक्सीजन जो है वो रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। आई होप कि पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका कौन सा था, ये आपका फोर्थ पॉइंट था केमिकल प्रॉपर्टीज का, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, यूजेस ऑफ डाइनाइट्रोजन, यूजेस ऑफ, सॉरी नॉट डाइनाइट्रोजन, डाई ऑक्सीजन, यूजेस ऑफ डाई ऑक्सीजन हम डिस्कस करेंगे, कि यूजेस ऑफ डाइऑक्सीजन क्या क्या होते हैं, मतलब O2 को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। सबसे पहला तो सांस लेने में यूज करते हैं, मतलब हम सांस ले रहे हैं तो क्या यूज कर रहे हैं, O2 यूज कर रहे हैं। हम किसी चीज को जलाते हैं तो क्या यूज करते हैं, O2 यूज करते हैं, आप सभी ने पढ़ रखा है, फॉर अ बर्निंग प्रोसेस व्हाट इज रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, या यू आपने पढ़ रखा होगा कि ऑक्सीजन इज अ सपोर्टिंग गैस इन एनी कंबसन। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो सकता है, यूज इन रेस्पिरेशन एंड कंबसन, कंबसन में यूज करते हैं और रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। इसके अलावा आपने ऑक्सीजन के सिलेंडर देखे होंगे, आजकल जैसे कोरोना डिजीज चली हुई है, तो कोरोना डिजीज के कारण हर हॉस्पिटल में किसकी रिक्वायरमेंट बढ़ी हुई है, ऑक्सीजन गैस के सिलेंडरों की। तो हम लिखेंगे यहां इन, यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, ठीक है, हॉस्पिटल्स के अंदर यूज होता है, या इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, हाई एल्टीट्यूड्स फ्लाइंग, आपने देखा होगा जो बहुत ऊंचाई पर जाके वो ग्लेडिएटर से नीचे कूदते हैं, तो उनको भी किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन कम हो जाती है, ठीक है। तो हॉस्पिटल्स के अंदर, हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग के अंदर, और इसके अलावा जो आपकी मेन चीज होती है, दैट इज माउंटेनियरिंग, मतलब जो आपने पर्वतारोही देखा होगा, जो मतलब माउंटेन्स में चढ़ते हैं, जैसे कि एवरेस्ट पे चढ़ाई करते हैं, उनके बाद वो भी क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन। तो यहां पे आप लिखेंगे हॉस्पिटल्स का हो गया, हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग क्या होगा, तो माउंटेनियरिंग, तो माउंटेनियरिंग के अंदर भी किसका यूज होता है, इसी का यूज होता है, मतलब पर्वत पे चढ़ने के लिए वहां भी उनको सिलेंडर कैरी करके जाना पड़ता है, ठीक है। और एक इसके अलावा तो वो तो आपने पढ़ी रखा है, स्कूबा डाइवर जो समुद्र में गोता लगाते हैं, वो भी किसका यूज करते हैं, वो भी ऑक्सीजन गैस का यूज करते हैं, क्योंकि वहां भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, कि पानी के अंदर सांस कैसे लिया जाएगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका, इसको एक वेल्डिंग में यूज किया जाता है, ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग, ठीक है। एसिटिलीन सबको पता होगा, तो एसिटिलीन किसकी प्रेजेंस में,
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एज अ पर्पज ऑफ वेल्डिंग, तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के अंदर भी इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा यहां, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा इन कंबसन ऑफ फ्यूल, मतलब फ्यूल के कंबसन में भी किसका यूज होता है, ऑक्सीजन का। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, आपने पढ़ भी रखा है कि ऑक्सीजन सपोर्टिंग गैस इन कंबसन। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल मैं क्या दे रहा हूं, देखिए ध्यान सुनना, एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है इसका कि अगर मैं यूज करूं क्या, हाइड्राजीन, हाइड्राजीन इन लिक्विड ऑक्सीजन। ध्यान देंगे, हाइड्राजीन को मिक्स कर दिया किस में, लिक्विड ऑक्सीजन। हाइड्राजीन क्या होता है, NH2, हाइड्रोजन को लिक्विड ऑक्सीजन मिक्स कर देते हैं, तो ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड अ ट्रीमेंडस थ्रस्ट इन रॉकेट, मतलब जो रॉकेट ऊपर जाता है ना, तो उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा अप थ्रस्ट, ये पढ़ रखा होगा अपने फिजिक्स के अंदर, तो ये बहुत ही ज्यादा अप थ्रस्ट अप्लाई करता है, मतलब रॉकेट को ऊपर जाने में हेल्प प्रोवाइड करता है या हेल्प करता है। ठीक है, इसका एक यूज और है, फिफ्थ यूज भी आप लिख सकते हैं इसके लिए। फिफ्थ पॉइंट क्या बनता है, फिफ्थ पॉइंट मैं यहां लिख देता हूं ऊपर, फिफ्थ पॉइंट ऑफ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है, और स्पेशली किसमें, स्पेशली यूज करते हैं इसको स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। ठीक है, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं, और स्पेशली किसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं, स्टील के। टोटल आप कितने पॉइंट हो गए, फाइव। ठीक है, फर्स्ट मैंने पहले यहां लिखा था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये लास्ट वाला पॉइंट आपका क्या हो गया, फाइव। तो फाइव पॉइंट्स ऑफ यूज दे आर इनफ और मोर देन इनफ, क्योंकि क्वेश्चन अगर बनेगा तो एक या दो नंबर का बनेगा, पांच नंबर का क्वेश्चन यूज का नहीं बनता। ठीक है, हाँ, एमसीक्यूज की फॉर्म में कुछ भी पूछा जा सकता है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट डाई ऑक्सीजन, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।